हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है गर्ल्स के लिए समर मस्ट हैव्स का, यानी समर रूल बुक में आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपके पास ज़रूर 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 होनी चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथली हो। अभी हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा नाम हनी है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए जिससे आगे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो समर रूल बुक में सबसे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एलोवेरा का D10 आइस क्यूब्स, यानी कि आपको मैं बताना सिखाऊंगी आज कि आप एलोवेरा की क्यूब्स कैसे बना सकते हैं और उन आइस क्यूब्स का आप यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पर ग्लो लाने के लिए, क्योंकि हमारी स्किन वैसे भी बहुत डार्क हो जाती है। ये बहुत ही जूसी है, मैंने डायरेक्ट वहाँ से लीव्स कट की हैं, मेरे पास एलोवेरा प्लांट है तो वहीं से मैंने इस लीव्स को कट किया है और इसमें से मैं अब एलोवेरा का जो पल्प है उसे अलग कर लूँगी। इसे मैं बाउल में डाल लूँगी और बाउल में डालने के बाद मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद हमें इनको इसमें हमें थोड़ा सा वाटर मिक्स करना होगा। वाटर मिक्स करने से ये है कि ये प्रॉपर तरीके से उस फॉर्म में आ जाएंगे जिससे कि हम इसकी आइस क्यूब्स बना सकें। एलोवेरा क्यूब्स हम इसे फ्रीज कर देंगे इस लिक्विड को, और उसके बाद ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। और आप इसे फ्रीज करके रात के टाइम इसे अपने चेहरे पर मसाज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है शावर जेल। ये इसलिए क्योंकि सर गर्मियों में हमें स्वेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो कोई भी आप मिंट एक्सट्रैक्ट वाला किसी भी ब्रांड का कोई भी अच्छा सा शावर जेल आप ले सकते हैं। मेरे पास दो शावर जेल हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। एक ये है पियर्स ब्रांड का और एक है जॉय ब्रांड का, दोनों ही बहुत अच्छे हैं और दोनों ही मिंट एक्सट्रैक्ट हैं। आप जब भी मैं इन्हें यूज़ करती हूँ तो मुझे बहुत ही ठंडी ठंडी फीलिंग आती है नहाने के बाद में। तो कोई भी लें, ध्यान रखें कि इसके इन्ग्रीडियंट्स क्या हैं। ये प्रॉपर ग्लिसरीन बेस्ड है, इनके इन्ग्रीडियंट्स पर ज़रूर आप ध्यान दें। पियर्स वाला में 98% ग्लिसरीन है, तो ये बहुत ही स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मिंट एक्सट्रैक्ट है तो ठंडा ठंडा भी फील होगा और बहुत ही जेंटल होगा हमारी स्किन के लिए। तो ये मुझे एक बहुत ही हैंडसम डील लगी, तो मैंने इन दोनों को शॉप से परचेस कर लिया। आई होप ये आइडिया आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि सोप की जगह आप शावर जेल अगर समर में यूज़ करेंगे तो ये आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव लगेगा। इसकी बस 4-5 ड्रॉप्स ही काफ़ी होती हैं और बहुत ही इजीली आप इसका यूज़ कर सकते हैं। शावर जेल में आप लूफा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लूफा जो होता है उसके थ्रू आप बहुत ही इजीली उसे अपनी बॉडी पर स्प्रेड कर सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है सनब्लॉक। सनब्लॉक के लिए मैं बहुत ज़्यादा लोगों को देखती हूँ कि सनस्क्रीन की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड की सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, लेकिन वो सब केमिकल बेस्ड होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट आपको यूज़ नहीं करना है, तो इसके लिए आप एलोवेरा जेल पतंजलि का ले सकते हैं या किसी भी अच्छे ब्रांड का एलोवेरा जेल ले सकते हैं रेडीमेड। इसके लिए आपको धूप में निकलने से पहले एक बहुत ही थिन लेयर अपने फेस पर अप्लाई करनी है, और बिलीव मी आपको ये लगाने के बाद बिल्कुल भी सन की टैनिंग नहीं होगी। आप इसको एक बार ट्राई करके देखें, आप बार बार यही चीज़ बोलेंगे, ये सच में बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे लिए आइज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो है सनग्लासेस। बिना सनग्लासेस के लिए हम अपनी आइज़ को धूप में बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मॉर्निंग फेस वॉश की बात करने वाली हूँ मैं, यानी कि आप कोई भी अच्छा सा क्लेंज़र ले सकते हैं। मेरे पास है क्लीन एंड क्लियर का मॉर्निंग फेस वॉश, ये बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएट करता है फेस को, क्योंकि इसमें एक्सफोलिएट ड्रॉप्स भी मिक्स्ड होती हैं। आपको अगर ये नहीं लेना है तो और भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के, जैसे मामा अर्थ का मुल्तानी मिट्टी फेस क्लेंज़र होता है, सेटाफिल का है, सिंपल का है, ये सब बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल ही ऑर्गेनिक हैं। अब बात आती है फुलर अर्थ यानी मुल्तानी मिट्टी की। अगर आप समर्स की बात कर रहे हैं तो बिना मुल्तानी मिट्टी के आपका काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए ये फेशियल फेस की स्किन के लिए ये बिल्कुल बूंद की तरह काम करती है। आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस इसे ओवरनाइट सोक कर दें और सुबह इसका पेस्ट रेडी हो जाता है। ये स्किन को एक्सफोलिएट करती है, कूलिंग इफेक्ट देती है और स्किन को एक्ने और पिंपल्स से में रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करती है। समर सीजन में आपको इसे बहुत ज़्यादा देर अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं होती, बस आप एक छोट पतली सी यानी कि बहुत ही थिन लेयर अपनी फेस पर अप्लाई करें और फिर उसे वॉश्ड ऑफ कर दें। यहाँ अब टैल्कम पाउडर के बिना तो आपका काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घमोरियाँ हो जाती हैं,
तो इसके लिए मैंने पाउडर पफ लिया हुआ है। पाउडर पफ में आपको क्या करना है, अपना कोई भी मनपसंद टैल्कम पाउडर इसमें फिल कर दें। मैंने नाइसिल का पाउडर यहाँ पर फिल करा है क्योंकि गर्मियों में मुझे घमौरियों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब इसमें मैं फिल करने के बाद आसानी से अपने अपने बॉडी पर, अपने बेबी के बॉडी पर भी इसे अप्लाई करती हूँ और सच बता रही हूँ इससे मुझे बहुत ही ईजी रहता है। अब जब हम समर है तो पसीना तो आएगा ही, और पसीना आएगा अगर तो आप समझ सकते हैं कि फिर उसके लिए हमें कोई ना कोई बॉडी कूलिंग के लिए चाहिए। तो ये विन विन सिचुएशन होती है हमारी अगर हमारे पास कोई भी अच्छा सा बॉडी टैल्क हो या फिर किसी भी तरह का कोई रोल ऑन हो। ये मेरे पास निविया रोल ऑन है, ये बहुत अच्छा है। अब ये आपके पास होने चाहिए। नैपकिंस बहुत अच्छे होते हैं, इनके रिक्वायरमेंट हमें गर्मियों में बहुत ज़रूरत होती है। इसे फोल्ड करें और 3-4 नैपकिंस को फोल्ड करके अपने पर्स में रख लें। जब भी आपको ज़रूरत हो अपने फेस को पोंछने के लिए तो आप इसे निकाल कर इसे यूज़ कर सकते हैं। ये वाकई में बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है और ज़रूर 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 आपके पास होनी ही चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है समर में, वो ये है कि आपके पास वाटर बॉटल ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि गर्मियों के सीज़न में आपको मिनिमम 4 लीटर वाटर तो पीना ही है। तो 4 लीटर पानी पीने के लिए जब आप घर से निकलें तो इसके लिए आप बॉटल अपने साथ रखें जिसमें करीब 1 लीटर के करीब पानी आता हो, जिससे कि जब आप पूरे दिन बाहर रहें तो अपनी बॉडी को आप हाइड्रेट करके रख सकें या इसे आप जब भी ज़रूरत पड़े तो रिफिल करें। अब मेकअप की बात आती है, मेकअप के लिए मैं आपको ज़्यादा मेकअप तो रिकमेंड नहीं करूँगी गर्मियों के सीज़न में। आपको सिर्फ 2 चीज़ें रखनी है अपने पास, लिपस्टिक और मस्कारा। काजल नहीं प्रेफर करती हूँ क्योंकि काजल गर्मियों में फैल जाता है। तो इसके लिए मैंने मेरे पास मियोन का वाटरप्रूफ मस्कारा है जिसको 12 आवर्स स्टे जिसका है और ये बहुत ही अच्छा है, वाटरप्रूफ है, तो ये गर्मियों के सीज़न के हिसाब से बिल्कुल ही प्रेफरेबल है हमारे लिए। ये मियोन ब्रांड का है और वाटरप्रूफ है, मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ये मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा। आप चाहें तो जिस ब्रांड का उस ब्रांड का मस्कारा आप लगा सकते हैं। लिपस्टिक की अगर मैं बात करूँ तो लिपस्टिक आप लाइट शेड में ही रखें। आप मेरे पास ये 2 शेड हैं, ये भी मियोन ब्रांड के ही हैं और सुपर स्टे 8 आवर्स वाले हैं। ये 12 आवर स्टे है अगर आप इसे किसी और सीज़न में लगा रहे हैं, लेकिन गर्मियों में मिनिमम ये 8 आवर्स तक तो आपके लिप्स पर रहते ही हैं। ये 2 शेड मेरे पास हैं, एक पीच है और एक पिंक है। दोनों ही इंडियन स्किन टोन के लिए बहुत ही फेवरेबल होते हैं और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं लगाने के बाद। ये ना ज़्यादा डार्क है ना ज़्यादा लाइट है, यानी कि लगाने के बाद आपके लिप्स पर प्रॉपरली रिफ्लेक्ट भी होंगे और टिके भी रहेंगे, क्योंकि ये सुपर स्टे वाली लिपस्टिक है। क्योंकि गर्मी में हमें ऐसा ही मेकअप यूज़ करना होता है जो अच्छे से हमारे फेस पर लगा रहे। अब ये है फेयरनेस क्रीम। फेयरनेस क्रीम की अगर मैं बात करूँ तो आप किसी भी अच्छी फेयरनेस क्रीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि स्किन टोन हमारी 2-3 शेड्स ऑलरेडी डार्क हो जाती है। यहाँ मेरे पास है येलो हिप्पो का बेबी मॉइस्चराइजर। अब आप ये सोचेंगे इसकी क्या ज़रूरत है। अब गर्मियों में हमारी स्किन जो होती है वो ऑलरेडी डार्क हो जाती है आर्म पिट की और थाइस की, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन होता है तो पसीना ज़्यादा आता है। आप कोई भी अच्छे ब्रांड का मॉइस्चराइजर वहाँ ज़रूर अप्लाई करें जिससे कि आर्म पिट आपके डार्क ना हो। आप डेली बेसिस पर इसे नहाने के बाद अप्लाई करें, आपको बिल्कुल आपको ये पता लगेगा कि आपका जो आर्म पिट और थाइस का शेड है वो प्रॉपरली जैसा था वैसा है और ज़्यादा डार्क नहीं हो रहा है गर्मियों के सीज़न में। बहुत ज़्यादा चिपचिपा वाला कोई मॉइस्चराइजर ना लें, मेरे पास येलो हिप्पो का है। आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको लगे कि आपको अच्छा लग रहा है। अब गर्मियाँ हैं तो हम कम्फर्टेबल ड्रेसेस के बिना तो हम सोच भी नहीं सकते। मेरे पास ये सेसा फराज का फ्लोरल प्रिंट का गाउन है। फ्लोरल प्रिंट जो होती हैं वो गर्मियों में बहुत ही अच्छे लगते हैं, आइज़ को बहुत ही सूदिंग इफ़ेक्ट देते हैं। तो ये मेरे पास सेसाफ्रास का गाउन है, ये प्योर शिफॉन में है और बहुत ही अच्छा ब्रीदेबल क्लॉथ है इसका। आई थिंक मैंने इसे 1299 में परचेज़ किया था मिंत्रा से। और ये बाकी के मेरे क्लोथ्स हैं, ये कॉटन के सूट्स हैं जिन्हें मैं वाइट पैंट के साथ प्रेफर करती हूँ। तो आप मोस्टली कोशिश करें कि एक ब्रीदेबल क्लॉथ्स ही आप वेयर करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। Thanks for watching.